सादर करूं परिणाम। किसने याद किए हैं पिताजी कहिए सारा भाव। मेरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिना बगान, भाव मेरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिना बगान। मैं हूं व्याकुल तुम्हारे लिए बेटा आज मैं तुम्हें दरबार में बुलाया हूँ, जानती है क्यों? क्यों पिताजी? आज कई दिनों से अपने दरबार में मुझे दिल नहीं लगता, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं शिकार खेलने के लिए जंगल को जाऊं। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? क्यों सुशीला? पिताजी, शंकर बहुत छोटा है पिताजी। एक बचपन में हम दोनों भाई बहन की माँ इस संसार से चल बसी है, और अब हम दोनों भाई बहन को छोड़कर जंगल जाइएगा पिताजी, कैसे रहेंगे पिताजी? शंकर तो रोते रोते मर जाएगा पिताजी। अगर आपको कुछ हो जाएगा जंगल में तो हम दोनों भाई बहन इस माल में कैसे रहेंगे पिताश्री? अब मत जाइए पिताश्री। हेलो ये मां आइए ये बौर तू शीला आहो
राजू सेनापति शंकर और सुशीला को आप समझाइए। समझ लो जो कहे वही मांग लो। क्या बापा कही नहीं दे दो इजाजत दे दो जाने का। नहीं शंकर सुशीला दोनों भाई बहन संदेश मांग लो जा रहे हैं तो क्या संदेश मांग लो तो हेरा मन तो ता अच्छा सुशीला लाल मिर्गा तब मांगेंगे तो नहीं जाएंगे पिताश्री नहीं वो दे सकेंगे ना चंदर जा सकेंगे। सच में सच सच ठीक है हम दोनों भाई बहन अपने पिताजी से मांग करते हैं अगर हम दोनों भाई बहन को लाकर दे देंगे तो हम दोनों भाई शंकर जो सामान मान जो वस्तु हम दोनों भाई बहन मांगेंगे पिताजी दे ही नहीं पाएंगे और ना इस महल को छोड़कर हम दोनों भाई बहन को जंगल जाएंगे। तू सही कहा सुशीला पिताजी शंकर ठीक है पिताजी जाएंगे शिकार करने के लिए तुम भाई कुछ मांग लो। पिताजी आप तो जा रहे हैं जंगल शिकार करने के लिए। हाँ पुत्र लेकिन पिताश्री आप मेरे लिए एक खिलौना लेकर आइएगा। खिलौना हाँ पिताश्री कैसा खिलौना चाहिए कहो पुत्र मैं तुम्हारे लिए जंगल से जरूर लेकर के आऊंगा। पिताजी मुझे यही खिलौना चाहिए कि हीरा मन तोता खोता कत्ता गाछी पर चलते देखा खोता खोता नहीं देगा भाग तोता हमें कि खोता बिल्कुल बुद्धि नहीं अब तो रे बुद्धि चले बेटी सुशीला तुम्हें भी कुछ चाहिए। हां पिताजी क्या चाहिए अपने मुखारविंद से कहो। मेरे लिए पिताजी मेरे लिए आप लाल मिर्गा लेते आइएगा। वहां तू का